नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 मार्च दिन गुरुवार। खबर क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने 15 मार्च को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा को किया रद्द। बिहार के पंचायतों में हजारों लेखपाल की होगी नियुक्ति। बिहार में गर्मी संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदेगी कंपनी। बिहार कौशल विकास मिशन का लाभ लेने के लिए जल्द करें आवेदन। खराब मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में खुलेगा नया सैनिक स्कूल। धोनी ने ट्रेनिंग के दौरान फिटनेस की चिंताएं की दूर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेल ने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकाली भर्ती। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 108 रिक्त पदों पर की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया कुछ पदों के लिए 26 मार्च तो कुछ पदों के लिए 16 अप्रैल से शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sellcareers.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा पद के मुताबिक 28, 30, 34 और 41 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट मिलेंगे। भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए इसके अधिसूचना को जरूर देख लें। बीपीएससी ने 15 मार्च को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा को किया रद्द। पेपर हुआ था लीक। बीपीएससी ने 15 मार्च को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसका पेपर लीक हुआ था। इसके बाद बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है। मालूम हो कि 15 मार्च को बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा के सवाल छपने से पहले ही पेपर लीक हो गए थे। ऐसे में जांच के बीच आयोग ने परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। इस मामले में पुलिस की ओर से नए खुलासे किए गए थे। करीब 300 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रश्न रटवाए जा रहे थे। बताया जाता है कि परीक्षार्थियों से 10-10 लाख रुपए में सौदा हुआ था। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खां के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का एक प्रसिद्ध सहनाई वादक थे। इनका जन्म बिहार के डुमराव में आज के दिन वर्ष 1916 में हुआ था। वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा इन्हें सर्वोच्च भारत सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये काशी में विश्वनाथ मंदिर जाकर और कई बार गंगा किनारे बैठकर घंटों सहनाई बजाया करते। कहा जाता है कि एक बार इन्हें अमेरिका में आकर बसने का निमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि यहाँ गंगा है, काशी है, बालाजी का मंदिर है, यहाँ से जाना मतलब सभी से बिछड़ना। बिस्मिल्लाह खां कई आयोजनों और त्योहारों में सहनाई बजाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इन्हें इनकी उपलब्धियों के लिए न केवल भारत रत्न बल्कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के पंचायतों में हजारों लेखपाल की होगी नियुक्ति। बिहार के पंचायतों में 6,570 लेखपाल सह IT सहायक की नियुक्ति होगी। इसमें पुरुषों के लिए 4,270 पद हैं, जबकि महिला परीक्षार्थियों के लिए 2,300 पद हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए BCom और MCom की योग्यता का होना आवश्यक है। पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की ओर से नियुक्तियाँ मांगी गई हैं। 15 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि आवेदन की प्रक्रिया 14 मई को शाम 5 बजे तक चलेगी। जानकारी के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर लोगों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार में गर्मी संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदेगी कंपनी। बिहार में गर्मी संकट से निपटने के लिए कंपनी अतिरिक्त बिजली खरीदेगी। 4 महीने तक के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है। जून से सितंबर तक के महीने में 1950 मेगावाट बिजली खरीदारी करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए कंपनी की ओर से 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड को इसके लिए प्रस्ताव दिया गया था, इस पर मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार जून से सितंबर तक राज्य में अधिक बिजली की खर्च होती है, इस कारण ही शाम के समय बिजली की अत्यधिक आवश्यकता होती है। किल्लत से निपटने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदी जाएगी। बिहार के स्कूलों में 25 मार्च से होने वाली परीक्षा टली। बिहार के स्कूलों में 25 मार्च से होने वाली परीक्षा टल गई है। स्कूलों में होने वाले वार्षिक एग्जाम के टाइम टेबल में बदलाव का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने इस संबंध में मंजूरी भी दे दी है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 4 और 6ठी से 7वीं तक के बच्चों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की तिथि में बदलाव हुआ है। 25 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 29 मार्च को ली जाएगी। मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत 25 मार्च के एग्जाम को 30 मार्च को लेने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इसका आयोजन 29 मार्च को लिया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ये बदलाव किया गया है। 25 और 26 मार्च को स्कूल बंद रहेगा।
बिहार कौशल विकास मिशन का लाभ लेने के लिए जल्द करें आवेदन। बिहार कौशल विकास मिशन का लाभ लेने के लिए जल्द आवेदन करना होगा। मालूम हो कि कौशल विकास मिशन के कुशल युवा कार्यक्रम के साथ युवा अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। युवाओं के लिए बिहार सरकार ये योजना चला रही है। इसका मकसद युवाओं का कौशल विकास करके उनके भविष्य को बेहतर बनाना है। मार्च 2024 से बैच में शामिल होने के लिए आवेदन किया जा सकता है। मार्च 2023 के बैच में शामिल होने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 27 मार्च है। वहीं अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800123-6525 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार में खुलेगा नया सैनिक स्कूल। बिहार में नया सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है। इसमें समस्तीपुर का सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, पटना का केशव सरस्वती विद्या मंदिर, भागलपुर का गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में सैनिक सोसाइटी ने अस्थायी रूप से इसके लिए मंजूरी दी है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के जरिए इसमें नामांकन होगा। दाखिले के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आधिकारिक वेबसाइट aisses.nta.nic.in पर इसके लिए अप्लाई किया जाता है। वहीं परीक्षा और ई काउंसलिंग के बाद सैनिक स्कूलों में दाखिला होता है। बिहार में कागजी दलों की संख्या 200 से ज्यादा। बिहार में कागजी दलों की संख्या 200 से अधिक है। कई पार्टियां तो ऐसी है जिनका सभी नाम तक नहीं जानते हैं। इन्हें समर्थन देना तो दूर की बात हो जाती है। राज्य में 201 राजनीतिक दल चुनाव आयोग में निबंधित हैं, लेकिन इन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गई है। पूरे देश भर में ऐसे दलों की संख्या 2796 है। वहीं इसके 8% दल बिहार में मौजूद है। चुनाव के दौरान इसके प्रत्याशी मैदान में भी उतरते हैं, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाते। वहीं कई पार्टियां प्रदेश में सिर्फ कागजों तक सीमित। आवासीय इलाके में रात 10 बजे के बाद हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध। आवासीय इलाके में रात 10 बजे के बाद हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने से संबंधित मामले में सुनवाई की है। चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन ने इस मामले में सुनवाई की है। राज्य के डीजीपी ने हलफनामा दायर किया था। रात 10 बजे के बाद हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध की बात कही गई थी। इसमें स्थानीय थाना के SHO से अनुमति लेना अनिवार्य है। बगैर अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर या हैंड बाजा पर पूरी तरह से पाबंदी के नियम की कड़ाई से पालन करने की बात कही है। इस मामले में 10 अप्रैल को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सभ्यता द्वार के बारे में। सभ्यता द्वार पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो बलुआ पत्थर से बने एक विजय स्मारक के रूप में लोगों के बीच जाना जाता है। सभ्यता द्वार मौर्य शैली वास्तुकला के साथ बनाई गई है, जो परंपराओं और संस्कृति की प्राचीन महिमा को दिखाती है। सभ्यता द्वार के आसपास आपको काफी खूबसूरत उद्यान भी देखने को मिल जाएंगे। इस सभ्यता द्वार पर बिहार से संबंध रखने वाले 4 महापुरुष, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक और मेघस्थलीज के संदेश को भी लिखा गया है। यहाँ से आप गंगा नदी के मनोरम नजारे का भी आनंद ले सकते हैं। बिहार में 25 मार्च को खुले रहेंगे कार्यालय। बिहार में 25 मार्च को कार्यालय खुले रहेंगे। इस कारण कर्मचारियों की होली फीकी हो सकती है। होलिका दहन से पहले सरकारी कार्यालयों को खोला जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 मार्च को अवकाश नहीं दिया है। वहीं अवकाश में बदलाव की फाइल को स्वीकार नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार अवकाश में बदलाव करने से संबंधित फाइल CM को भेजी गई थी, इसे स्वीकार नहीं किया गया है। बिहार सरकार के कैलेंडर के अनुसार सोमवार को कार्यालय खुले रहेंगे। वहीं 26 और 27 मार्च को होली की छुट्टी दी जा रही है। वहीं कहा जा रहा था कि होली की छुट्टी 25 और 26 मार्च को मिल सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। पीएम किसान योजना किस कारण से अटक सकती है 17वीं किस्त। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2000 की राशि की मदद दी जाती है, यानी सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में किसानों को 16वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, जबकि 17वीं किस्त का लाभ मिलना अभी बाकी है। वहीं कई कारणों से ये राशि अटक सकती है। मालूम हो कि अगर कोई किसान EKYC का काम नहीं करवाते हैं तो वो पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित रह सकते हैं। साथ ही अगर आपने अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है तो भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन किसानों की राशि भी अटक सकती है जो सत्यापन के काम को नहीं करवाते। इस वित्तीय वर्ष 13 विभाग अब मिलकर तैयार करेंगे बाल बजट। अब तक प्रदेश में बाल बजट को तैयार करने में केवल 7 विभाग ही शामिल होते थे, लेकिन अब 13 विभाग इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाल बजट को तैयार करेंगे।
ये विभाग बाल कल्याण बजट तैयार करने के साथ ही लिंग आधारित और हरित बजट भी तैयार करते हैं। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बाल कल्याण बजट पर आयोजित परिचर्चा में ये जानकारी दी है। बिहार सरकार, यूनिसेफ और पटना विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग के विशेषज्ञों ने भी इस परिचर्चा में भाग लिया था। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि देश के बेहतर विकास के लिए जरूरी है कि कई विशिष्ट सामाजिक आवश्यकताओं के साथ साथ बच्चों पर आर्थिक निवेश भी किए जाएं। साथ ही मौजूद लोगों ने 2013-14 में शुरू की गई समर्पित बाल विकास बजट की पहल के लिए बिहार सरकार की सराहना भी की है। खराब मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही। मौसम विभाग द्वारा मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश के साथ साथ तेज हवा और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई थी। खराब मौसम को लेकर लोगों को सलाह दी जा रही है कि खुले स्थान या पेड़ और खंभों से दूरी बनाए रखें। आज भी प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही प्रदेश में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। मधुबनी में मिथिला महोत्सव 2024 का हुआ आगाज। मधुबनी के वाटसन विद्यालय में मिथिला महोत्सव 2024 की शुरुआत हुई है। डीएम और एसपी ने इसका शुभारंभ किया है। 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। वहीं इस दौरान मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सभी जिला वासियों को मिथिला महोत्सव की शुभकामनाएं भी दी हैं। मिथिला महोत्सव में मिथिला की संस्कृति से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें स्थानीय कलाकारों को भी शामिल किया गया है। इस महोत्सव के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने लोगों से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उत्पाद विभाग की टीम ने 11 लाख की शराब को किया जब्त। लोकसभा चुनाव और होली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी बीच गया जिले के मोहनपुर के लोंगर गांव के नजदीक मुख्य मार्ग पर पुलिस ने 4 पहिया वाहन से 11 लाख की शराब को जब्त किया है। मालूम हो कि यहां जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के आदेश पर अवैध शराब के परिवहन एवं व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए मकसद से अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 3,120 लीटर चुनाई शराब और 18 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया है। वहीं वाहन चालक वाहन को छोड़कर भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद बाबा बागेश्वर का बिहार में आगमन। लोकसभा चुनाव के बाद बाबा बागेश्वर का बिहार में आगमन होने जा रहा है। 10 जून को बिहार में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगेगा। इसको लेकर आयोजन समिति तैयारियों में जुटी हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर तिथि का निर्धारण कर लिया गया है। 9 जून को हनुमत कथा का आयोजन किया जाएगा। मालूम हो कि पहले भी बाबा बागेश्वर का बिहार में कार्यक्रम हो चुका है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पटना के तरेत में कार्यक्रम हुआ था। इसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री गया भी पहुंचे थे। वहीं अब एक बार फिर से बाबा बागेश्वर बिहार आने वाले हैं। बिहार में सीट बंटवारे और पशुपति पारस को लेकर अमित शाह ने दिया बयान। बिहार में सीट बंटवारे और पशुपति पारस को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में NDA ने पलटी नहीं मारी। भाजपा वही है जहां वो पहले थी। हम गंगा किनारे थे और वहीं पर हैं। वो आकर हमारे साथ मिले। सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह ने कहा है कि बिहार में हम पहली बार नीतीश कुमार से अधिक सीटों पर लड़ रहे हैं। भाजपा यहां बड़े भाई की भूमिका में है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। पशुपति पारस को वापसी को लेकर अमित शाह ने कहा है कि अब समझौते की गुंजाइश कम है, लगभग नहीं के बराबर ही। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में हुआ विलय। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है और पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बिहार के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने पप्पू यादव की पार्टी का विलय करवाया। इस दौरान पप्पू यादव के बेटे सार्थक भी मौजूद थे। कांग्रेस में शामिल होने के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के साथ रही है। हमारी राजनीति सेक्युलर है। वहीं आपको बता दें कि इसमें पहले पप्पू यादव राबड़ी आवास गए थे। यहाँ उन्होंने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। वहीं अब चर्चा हो रही है कि पप्पू यादव पूर्णिया की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपके अनुसार क्या पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से महागठबंधन को फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चिराग पासवान एक बार फिर से हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का किया दावा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया है।
मालूम हो कि बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। ऐसे में लोजपा रामविलास के हिस्से में 5 सीटें आई हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि वो हाजीपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही अन्य 4 सीटों पर नामों की चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड ने भी दिया है। जमुई सांसद ने कहा है कि हाजीपुर उनके पिता की कर्म भूमि रही है, ये उनके लिए राजनीतिक विषय नहीं बल्कि पारिवारिक विषय है। वहीं पशुपति पारस को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उनका स्वागत है, उन्होंने हमेशा कहा है कि वो अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे। धोनी ने ट्रेनिंग के दौरान फिटनेस की चिंताएं की दूर। महेंद्र सिंह धोनी इस दौरान आईपीएल 2024 के तैयारियों में लगे हुए हैं। सीएसके के कप्तान ट्रेनिंग सत्र में बल्लेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने जमकर पसीना बहाया है, साथ ही बढ़िया शॉट भी जरा है। इस कारण उन्होंने अब अपनी फिटनेस से संबंधित सभी आशंकाओं और चिंताओं को दूर कर दिया है। मालूम हो कि सीएसके अपना पहला मैच आरसीबी के खिलाफ 22 मार्च को खेलने वाली है। ट्रेनिंग के दौरान एमएस धोनी ने अपने फेमस हेलीकॉप्टर शॉट जरा है। वो अभ्यास के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं और बल्लेबाजी के दौरान लय पकड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के फिटनेस को देखते हुए आपके अनुसार वो इस बार आईपीएल में कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1858 में लखनऊ के खिलाफ बगावत की मशाल जलाने वाले सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया था। आज के ही दिन वर्ष 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में लागू आपातकाल हटाने का ऐलान किया था। आज के ही दिन वर्ष 1954 में पहली फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1916 में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2006 में ट्विटर के सह संस्थापक ने पहला सार्वजनिक ट्वीट भेजा था। 1 अप्रैल से बढ़ेगी सैकड़ों दवाओं की कीमत। 1 अप्रैल 2024 से करीब 800 दवाओं की कीमत बढ़ने वाली है। इन दवाओं की सूची में पेन किलर, एंटीबायोटिक, विटामिन, आयरन और एंटी इन्फेक्शन है। साथ ही COVID-19 की बीमारी में उपयोग होने वाली दवा की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार के द्वारा होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के बाद ऐसा होने वाला है। राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में 0.0055% तक की बढ़ोतरी की गई है। जानकारी के अनुसार साल 2022 में दवाओं की कीमत में इजाफा किया गया था, 12% से 10% तक की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं दवा की कीमत साल में एक बार ही बढ़ाई जा सकती है। इधर दवा में उपयोग करने वाली चीजों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दवा इंडस्ट्री ग्रुप के अनुसार दवा बनने की लागत अधिक है, इस कारण कीमत बढ़ती है। व्हाट्सएप लेकर आया है ये शानदार फीचर। एक बार फिर से व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा के लिए खास फीचर लेकर आया है। दरअसल अभी तक व्हाट्सएप यूजर्स अपने व्हाट्सएप पर केवल 30 सेकंड तक का ही एक स्टेटस लगा पाते थे, लेकिन अब वे एक बार में 1 मिनट तक के वीडियो क्लिप को भी स्टेटस में डाल सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप अब अपने नए लुक के साथ भी सामने आया है। दरअसल व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर इस खास फीचर को जोड़ने के साथ ही ऐप के कुछ लुक में भी बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब चैट, अपडेट, कम्युनिटी और कॉल्स को नीचे कर दिए गए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किसने तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए है सत्यपाल मलिक ने, ऑप्शन बी है राजेंद्र आलेकर ने, ऑप्शन सी है तमिली साई सुंदर राजन ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तमिली साई सुंदर राजन ने। कहां पर भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गोवा। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। एक निर्दलीय विधायक के रूप में चुने जाने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन बी है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है महामाया प्रसाद सिन्हा। इसका सही उत्तर है महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के किस मंडल में केवल 2 जिले ही हैं? ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है सारण, ऑप्शन डी है कोसी।
इसका सही उत्तर है भागलपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रंजीत मारुति, आयुषी निशांत, ओम नारायण कश्यप, विद्यासागर, हेमंत कुशवाहा, अतीक खान, रंजीत कुमार, नौसाद रजा, सुबोध कुमार, शोभानंदन ठाकुर, योगेंद्र यादव, राहुल कुमार, गोनर शर्मा, चंदन कुमार, मनोज कुमार, निरंजन कुमार, जयप्रकाश कुमार, रवि मोहन वर्मा, अर्जुन राम, शशि राम, मनीष कुमार भक्त, पंकज कुमार दास, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार परीक्षा कैंसिल होने पर परीक्षार्थी को क्या क्या परेशानी होती है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।